गुड टच और बैड टच के बारे में आपने काफी बार सुना होगा, लेकिन जो आज हम आपको बताने वाले हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके बच्चों के लिए। वैसे बैड टच के बारे में पहले ही पेरेंट्स को अवेयर कर देना चाहिए अपने बच्चों को, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी इन चीजों को इग्नोर करते हैं। आज हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीजें बताने वाले हैं आपके बच्चों के लिए, जो कि सावधानियां रखें तो बैड टच का शिकार होना ही न पड़े। जानना है जरूरी, तो वेलकम टू रंगीन जिंदगी, शेयर हैप्पीनेस विद पूर्वी। अच्छा, हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि क्या गुड टच और बैड टच केवल फिजिकली ही होते हैं? तो नहीं, ये मेंटली भी होते हैं। पेरेंट्स को इन चीजों पर भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई बच्चे को बुरी निगाह से देख रहा है या घूर रहा है या फिर उसे गलत शब्दों का यूज कर रहा है और बच्चा कुछ बताना चाह रहा है तो बिल्कुल अलर्ट हो जाइए और बच्चे से सारी चीजें बैठा के पूछिए, नॉलेज लीजिए, उसके बाद कड़ी कार्रवाई कीजिए। ये बहुत जरूरी है। हम बच्चे को वहीं चुप करा दे ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। उस समय बच्चे की पूरी बात जरूर सुने। और बच्चे को और पेरेंट्स को ऐसे कौन से काम करने चाहिए जिससे बच्चा पहले ही अलर्ट हो जाए और पेरेंट्स उस पर ध्यान रखें ताकि ऐसी नौबत ही ना आए बैड टच की। सबसे पहले सेल्फ प्रोटेक्शन। आजकल पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत सारे टैलेंट सिखाते हैं, जैसे म्यूजिक, डांसिंग, सिंगिंग और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना उसे इग्नोर कर देते हैं और वो है सेल्फ प्रोटेक्शन की ट्रेनिंग। जूडो कराटे है, मार्शल आर्ट, आप जो भी सिखा सकते हैं बच्चे को वो सिखाइए, लेकिन सबसे पहले सेल्फ प्रोटेक्शन सिखाइए, न कि आप म्यूजिक, डांसिंग, सिंगिंग इन सब में डाल के बच्चों का करियर बनाइए। पहले बच्चों को तो प्रोटेक्ट करना सिखाइए कि वो सेल्फ प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले वो इम्पोर्टेंट है। आजकल के दौर में ना हम इजीली देख लेते हैं कि बच्चों को स्विमिंग, बच्चे छोटे हुए नहीं और उन्हें स्विमिंग पूल पे उतार दिया। ये सारी चीजें सोच के बड़ा ही आशा होता है कि सबसे पहले हमें सेल्फ प्रोटेक्शन सिखाना चाहिए और हम सिखाते हैं स्विमिंग, डांसिंग, सिंगिंग, ये सारी चीजें, तो बच्चों को सेल्फ प्रोटेक्शन जरूर सिखाएं। फ्रेंडली रिलेशनशिप। बच्चे अक्सर अपने माँ बाप से कुछ भी नहीं बोल पाते, क्यों? क्योंकि उन्हें डर लगता है। बच्चों को क्वालिटी टाइम नहीं देंगे तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि उनके माता पिता उनके बारे में अच्छी राय रखते हैं या दोस्ताना व्यवहार करते हैं? जब उनको क्वालिटी टाइम देंगे तभी उन्हें ऐसा एहसास मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बच्चे के साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि वो आपको बताना चाह रहा है, जैसे उनके किसी रिश्ते, आपके कोई रिश्तेदार आते रहते हैं और बच्चे को घूरते रहते हैं और बहुत गंदी तरीके से देखते हैं, तो बच्चे को अगर आभास भी हो गया तो भी वो आपको कैसे बता पाएगा? उसे डर लगा रहेगा कि पापा मम्मी मेरे बारे में क्या सोचेंगे, उन्हें मैं कैसे बताऊं, बहुत सारी चीजें उनके दिमाग में चलती रहेंगी, कभी तो वो डर जाएंगे। अगर ऐसा एटमॉस्फेयर आपके घर में है तो आप संभल जाइए और आप अपने बच्चे से उस समय जरूर पूछिए, खुल के पूछिए कि वो डरा हुआ या सहमा हुआ क्यों है या उसके साथ ऐसी कौन सी घटना हो रही जो उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। अगर बच्चा शांत है तो भी आप उनसे खुल के बात कीजिए और पूछिए और ये पूरा यकीन दिलाइए कि आप उनकी बात पर पूरा विश्वास करेंगे, तभी आप उनके साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप अपना पाएंगे। डोंट बी डम। अक्सर लोग समाज, रिश्ते नाते इन सब चक्रों में फंस कर रह जाते हैं और जहां बोलना चाहिए ना वहां भी चुप रह जाते हैं। नंबर वन, रिलेटिव्स। अगर रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी हैं और उन्होंने कुछ ऐसी हरकत की है आपके बच्चे के साथ तो आप सबसे पहले बच्चे को यही बोलते हैं कि चुप रहने दे, अब बस उनके सामने मत जाना। ये सब सिचुएशन आप उन्हें बता के उन्हें चुप करा देते हैं और बच्चे की भावनाओं को ठेस पहुंचता है। उस समय आपको कड़ी कार्रवाई लेनी थी लेकिन आपने चुप कर दिया, खुद को भी और बच्चों को भी। नंबर टू, स्ट्रेंजर्स या फिर नेबरहुड। जो भी हो, आप उस समय जब
कोई अड़ोसी पड़ोसी ऐसा काम करता है या अननोन ऐसा काम करता है, ऐसी हरकत करता है, तो आप कहते हैं समाज के डर से कि समाज क्या बोलेगा। सबकी परवाह आप करेंगे तो सब फिर समाज क्या करेगा। इसीलिए आपको अपने बच्चों का ख्याल रखना है और अपनी परवाह करनी है, न कि समाज की परवाह करनी है। हमें अपने समाज को बेहतर बनाना है तो ऐसी हरकतों पे तुरंत स्टॉप करें और उसी समय कड़ी कार्यवाही करवाएं ताकि उन्हें सही सजा मिल पाए। समाज को अगर स्ट्रांग बनाना है तो हमें इसके प्रति एक्शन लेना ही पड़ेगा। अगर आज हम चुप हो गए कल कोई और चुप हो जाएगा, इस तरह तो समाज बिगड़ता ही चला जाएगा। हमें कड़ी कार्यवाही लेनी पड़ेगी अपने बच्चों के लिए, अपने अच्छे समाज के लिए। एक्सपीरियंस, मोस्टली पेरेंट्स अपने अच्छे एक्सपीरियंस अपने बच्चों को शेयर करते हैं, हमारे साथ बचपन में ऐसा हुआ, हमारे साथ बचपन में ऐसा हुआ, ये हुआ वो हुआ, लेकिन जो खराब एक्सपीरियंस हुआ था वो आपको ज़रूर और ज़रूर बताना चाहिए, क्योंकि अगर आप बच्चों को पहले ही बता देंगे तो वो उस चीज़ के लिए अवेयर हो जाएंगे और कभी ऐसी घटना आती है तो वो खुलकर उस पर बात कर पाएंगे, या जो वो बेहतर कर सकते हैं आपके एक्सपीरियंस को सुन के वो जरूर करेंगे। तो अपने बच्चों को बुरे अच्छे दोनों एक्सपीरियंस बताइए ताकि वो कुछ बेहतर कर सकें। टेक हेल्प फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। पेरेंट्स के पास कई ऐसे सोर्सेज होते हैं जिससे वो ऐसे सिचुएशन में कड़ी कार्रवाई कर पाए उस इंसान के ऊपर। सबसे पहले तो उन्हें अपने बड़े बुजुर्ग या अपने खास जो समझदार बंदे हैं उनसे बैठकर डिस्कस करना चाहिए और इस पूरे मामले के बारे में बताना चाहिए ताकि वो सही निर्णय पर पहुंच सके। इसके अलावा चाइल्ड केयर हेल्पलाइन 1098 पर संपर्क करें और शिकायत दर्ज कराएं, या साइबर क्राइम की वेबसाइट cybercrime.gov.in पर जाकर रिपोर्ट साइबर क्राइम रिलेटेड टू विमेन ऑब्लिक चाइल्ड पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा पुलिस और एनजीओ की सहायता से भी मदद ली जा सकती है, तो हमें इन सब चीजों की हेल्प से जरूर और जरूर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। वैसे पेरेंट्स अपने बच्चों से बेइंतहा प्यार करते हैं, लेकिन प्यार करने के साथ साथ उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए अगर आप वर्किंग हैं तो अपने बच्चे को किसी ऐसी सुरक्षित जगह रखें जहां वो सेफ फील करें, यानी उन्हें अपने किसी बड़े बुजुर्ग के यहाँ छोड़िए। वहां पे भी सीसीटीवी कैमरा जरूर लगा होना चाहिए, उसके साथ ही आपको उनसे बीच बीच में वीडियो कॉल जरूर बात करनी चाहिए वीडियो कॉल पे, ताकि बच्चा सेफ है या नहीं इसकी पूरी नॉलेज आपको मिल सके। इसके साथ ही बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ बच्चे को अवेयर भी करते रहें इन सारी चीज़ों के बारे में, और बच्चे से बात ज़रूर करें, खुल के बात करें। अगर आप आते हैं ऑफिस के बाद भी आप बच्चे को ज़रूर टाइम दें, क्वालिटी टाइम दें और पूरी नॉलेज लें। तो मैं पूर्वी अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जाते आते लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जो जरूर बताएं मेरी वीडियोज़ के बारे में और जो आप जानना चाहें। तब तक के लिए चाचा बाय बाय।